हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रीतम मिश्रा। आज मैं आपको संस्कृत होनी क्लास फिफ्थ चैप्टर टू अर्थात द्वितीय पाठ का नाम है राष्ट्रपुष्पम कमलम। बट आपका अभ्यास कार्य चल रहा है, कल आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक हो गया था तब प्रीवियस वीडियो में। आइए हम चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है समानार्थक शब्दों को मिलाइए। यहाँ देखिए देश लिखा हुआ है, तो इसको हम मैच करेंगे राष्ट्र से। अगला है कमलम, ठीक है। तो कमल को क्या कहते हैं? तो कमल को पंकजम कहते हैं। अगला है जलम, जलम को वारी कहते हैं। संसार को जगत कहते हैं। और चित्तम को हृदय कहते हैं। समानार्थक शब्द का मतलब ये होता है बेटा कि मेल वाले शब्द। अब निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और आपको प्रत्येक के वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे है बेटा लिखा हुआ है अद्भुतम, तो लिखेंगे यहाँ पे हम कमलस्य सौंदर्यम् अद्भुतम् भवति। अगला है प्रकाशेन, तो यहाँ हो जाएगा सूर्यस्य प्रकाशेन एतत् विक्षति। अगला है इच्छुका, तो हो जाएगा आपका यत् वयमपि ज्ञाने चुका भवे। अगला है गुड़ा, यहाँ पर हो जाए आपका एत है गुड़ा है विभूषितम कमल अस्माकं राष्ट्रपुष्पं राष्ट्रपुष्पं अस्ति। अगला है जल, यहाँ होगा कमलम सदा जले तिष्ठति, यानी कमल हमेशा जल में रहता है। अब बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।